بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इश्ताक अहमद नावल, जिराल और इंस्पेक्टर जमशेद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। फारूक इन दोनों के जाने के बाद मुस्कुराने लगा। दरअसल इस शख्स की आवाज इसे भी जानी पहचानी लगी थी, बस वो बगैर किसी वजह के ये कह बैठा कि इसे आवाज जानी पहचानी नहीं लगी और फिर अपनी बात पर अड़ गया। दूसरी तरफ महमूद फारूजाना ने वक्त जाया करना मुनासिब ना समझा और वो इसे साथ लिए बगैर ही इस आदमी के पीछे रवाना हो गए। फारूक कुछ देर तक तो बैठा मुस्कुराता रहा, फिर इसे अफसोस होने लगा कि वो क्यों ना इनके साथ गया। वो उठकर इधर उधर ठहरने लगा। अचानक वो चौंक उठा। इसे बाग के एक गोशे में गुलाब की क्यारियों के पास एक अजीब सी चीज पड़ी नजर आई थी। वो तेजी से इसकी तरफ लपका और ये देखकर धक से रह गया कि ये मस्नूई मूछें और प्लास्टिक की एक झिल्ली थी। फारूक फौरन समझ गया कि कोई शख्स मेकअप में यहाँ आया था। इसने मेकअप से पीछा छुड़ाया और चला गया। फिर इसके दिमाग में बिजली सी कूंदी। इसने सोचा कहीं ये शख्स तो ना था जिसकी आवाज इन्हें जानी पहचानी मालूम हुई थी, और ये भी हो सकता है कि ये वही आदमी हो जिसका ताकुब इसके वालिद कर रहे हैं। बस फिर क्या था, फारूक बदहवास हो गया। पहला ख्याल इसके जहन में यही आया कि कहीं महमूद और फरजाना इस आदमी को खो ना दें। इस ख्याल के आते ही इसने मूछें और झिल्ली जेब में रखी और तेज तेज चलता हुआ पार्क से बाहर निकल आया। महमूद, फरजाना और इस आदमी का कहीं पता ना था, न जाने वो किस तरफ चले गए थे। पार्क से तीन रास्ते निकलते थे। एक रास्ता इनके घर की तरफ जाता था, दूसरा इनके वालिद के दफ्तर की तरफ और तीसरा रास्ता जंगल की तरफ। इसने चंद लम्हे कुछ सोचा और फिर दफ्तर की तरफ तेज तेज चलने लगा। इसी घबराहट में हर लम्हे इजाफा होता जा रहा था। इसे रह रहकर ये ख्याल आ रहा था कि हो ना हो ये वही शख्स है जिसका ताकुब इसके वालिद कर रहे हैं। वो इनके दफ्तर से फरार होकर पार्क तक आया। इसने कार दूसरी कारों के साथ खड़ी कर दी और पार्क में दाखिल हो गया। पार्क में आकर वो एक गोशे की तरफ चला गया क्योंकि इधर कोई आदमी नहीं था। इसने मूछों और झिल्ली से पीछा छुड़ा लिया। ऐसा करने के बाद इसकी शक्ल में जबरदस्त तब्दीली पैदा हो गई और फिर वो पार्क से निकला, लेकिन निकलते हुए वो इनसे टकरा गया और इसके मुंह से इतना निकल गया, माफ करना बच्चो। बस महमूद और फजाना तो इसी वक्त इसके ताकुब में निकल गए और वो पार्क ही में रह गया। लेकिन इसका पार्क में रहना भी कारामत साबित हुआ। इस तरह इसे मूछें और झिल्ली मिल गई और अब वो दफ्तर की तरफ जा रहा था क्योंकि इसने सोचा था मुजरिम बहुत चालाक है, वो जंगल की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि इस तरफ जाते हुए हर आदमी को चेक किया जाएगा, लेकिन जो लोग उल्टा दफ्तर की तरफ जाते हुए मिलेंगे इन्हें शायद कोई ना रोके। इसलिए मुजरिम ये जानते हुए कि सारे शहर में तलाश का सिलसिला जारी हो चुका होगा दफ्तर की तरफ ही जाएगा। यही सोचकर फारूक इस तरफ चल पड़ा, लेकिन अभी थोड़ी दूर ही गया होगा कि एक खौफनाक धमाका हुआ। धमाके ने इसके होश उड़ा दिए। वो भाग खड़ा हुआ। दूर, बहुत दूर, इसे धुएं के बादल उड़ते नजर आए और इन बादलों में से किसी कदर फासले पर एक शख्स तेजी से दौड़ता नजर आया। फारूक ने आओ देखा ना ताओ इस तरफ दौड़ पड़ा। वो धुएं के पास से कन्नी कतराते हुए निकल गया। इसने देखा वो आदमी अब दौड़ने के बजाय लपक रहा था जबकि धमाके के मकाम की तरफ लोग दौड़ रहे थे। इसने एक बार सोचा भी कि इसे महमूद और फरजाना की खबर लेनी चाहिए, लेकिन फिर इसने आदमी के पीछे जाना ही मुनासिब समझा। इसी वक्त वो आदमी एक गली में मुड़ता नजर आया। फारूक की कोशिश अब यही थी कि वो इसे नजरों से उछल ना होने दे, इसलिए वो तेज तेज चलने लगा और गली का मोड़ मुड़ने के बाद इसने नजदीक होने की कोशिश की। साथ ही इस पर जोश की कैफियत तारी हो गई। ये वही आदमी था जो पार्क से निकलते हुए इससे टकराया था। ये ताकुब कोई 15 मिनट जारी रहा, फिर एक 3 मंजिला इमारत में दाखिल होता नजर आया। फारूक अब रुकने वाला नहीं था, वो तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो कौन है, लिहाजा वो भी इस इमारत में दाखिल हो गया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। पूरी इमारत में जीने के दोनों तरफ कमरे थे और शायद ये कमरे किराए पर दिए गए थे। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर फारूक बरामदे में रुक गया। इस मंजिल पर सिर्फ 2 कमरे थे, दोनों कमरों के दरवाजे बंद थे लेकिन इन पर ताले नहीं लगे हुए थे। धक धक करते दिल के साथ फारूक एक कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि इसका दरवाजा खुला और वो अजनबी निकला जिससे पार्क के दरवाजे पर टक्कर हुई थी।
और महमूद और फरजाना जिसके ताकुब में निकल खड़े हुए थे। फारूक ठिठक कर रुक गया। हेलो, क्या बात है बेटा? इसकी आवाज में नरमी थी। जी मैं फारूक हिकलाया। अस्सलाम वालेकुम, अजनबी ने यह कहते हुए मसाफे के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वाह वाह वाह, वालेकुम सलाम, फारूक ने हकला कर कहा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अजनबी ने इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और दूसरे ही लम्हे फारूक को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसने अजनबी से हाथ मिलाकर बहुत बड़ी गलती की थी। इसका हाथ तो फौलाद की तरह मजबूत था। फारूक को अपने हाथ की हड्डियां चटकती महसूस हुई। धमाका बहुत जबरदस्त था। आसपास की इमारतों में से कई के शीशे टूटकर नीचे जा गिरे थे। धमाका और थर्राहट तो न जाने कितने घरों तक पहुंची होगी और फिर घरों के दरवाजे धड़धड़ा कर खुलने लगे। लोग बाहर निकलकर धुएं की तरफ दौड़ने लगे। थोड़ी देर बाद धुएं के गिर्द सैकड़ों आदमी जमा हो चुके थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि धुएं में दाखिल हो सकता। इतने में पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। शायद किसी ने फोन कर दिया था, लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड वाले भी क्या कर सकते थे। धुआं छटने के बाद ही कुछ किया जा सकता था। किसी को मालूम नहीं था कि धुएं के अंदर क्या माजरा है। आखिर 15 मिनट बाद धुआं हल्का हुआ और इन्होंने देखा सड़क पर एक जीप उल्टी हुई हुई थी। इसमें एक लड़का और एक लड़की फंसे हुए थे और जीप के साथ ही सड़क पर दो आदमी बेहोश पड़े हुए थे। पुलिस वाले तेजी से आगे बढ़े। इन्होंने जीप को पहचान लिया था। महकमा सुराग रसानी की थी। जब इन दोनों आदमियों को सीधा किया गया तो कई आदमी धक से रह गए। किसी ने कहा, अरे ये तो इंस्पेक्टर जमशेद और सब इंस्पेक्टर अकराम हैं। दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले महमूद और फरजाना को जीप से निकालने में मसरूफ थे। वो भी मुकम्मल तौर पर बेहोश थे। आध घंटे बाद इन्हें अस्पताल पहुंचाया जा चुका था और महकमा सुराग रसानी को इस हादसे की इत्तला दी जा चुकी थी। इंस्पेक्टर जमशेद इनके दो बच्चों और अकराम के हादसे का शिकार हो जाने की इत्तला ने महकमा सुराग रसानी की इमारत में हलचल सी मचा दी। सबसे पहले अस्पताल में आईजी साहब और डीआईजी साहब पहुंचे। अभी तक किसी को होश नहीं आया था। डीआईजी साहब को अचानक ख्याल आया, अभी तक बेगम जमशेद और अकराम के घर वालों में से किसी को इत्तला दी या नहीं। इनकी बात के जवाब में सब इधर उधर देखने लगे, जिसका मतलब ये था कि इन्हें किसी ने इत्तला नहीं दी। मेरा ख्याल है सर, फोन करने की बजाय हम खुद इन्हें जाकर ले आते हैं, आईजी साहब बोले। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने जवाब दिया। दोनों जीप में बैठकर पहले इंस्पेक्टर जमशेद के घर पहुंचे। बेगम जमशेद इन्हें देखकर धक से रह गईं। आईजी साहब ने पहले इन्हें तसल्ली दी और कहा कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है। फिर हादसे की खबर सुनाई। इनका रंग फक हो गया इनके मुंह से निकला। महमूद और फरजाना इनके साथ ही जीप में थे, फारूक वहां नहीं था। ओह, लेकिन वो तीनों तो साथ ही घर से गए थे। फिक्र ना करें, इसका भी पता कर लेते हैं। वो इन्हें अस्पताल छोड़कर अकराम के घर चल दी। बेगम जमशेद अंदर पहुंची, चारों अभी तक बेहोश थे। डॉक्टर इन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर इन्हें अभी तक तो कामयाबी नहीं हुई थी। बेगम जमशेद का दिल बैठने लगा। तीन इनके सामने बेहोश पड़े थे और चौथा गायब था। आखिर ये हो क्या गया? अभी एक घंटा पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था। इन्हें और कुछ न सूझा तो खान रहमान को फोन करने चली गईं। खान रहमान के लिए खबर बहुत तकलीफ दे थी। इन्होंने फौरन पहुंचने का कहा। साथ ही बेगम जमशेद ने प्रोफेसर दाऊद को फोन कर दिया। कुछ देर में वो दोनों वहां पहुंच गए। इन्होंने भी बेगम जमशेद को तसल्ली दी और इंस्पेक्टर जमशेद और बच्चों की तरफ बढ़े। जमशेद मेरे दोस्त, ये तुम्हें क्या हुआ? खुदा की कसम, जिसने तुम्हारा ये हाल कर दिया है, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं इसकी धज्जियां बिखेर दूंगा, खान रहमान ने जज्बाती आवाज में कहा। इनकी आंखों में आंसू आ गए, देखने वाले दंग रह गए। चट्टान जैसा मजबूत और हंसने वाला इंसान अपने दोस्त को बेहोश देखकर रो पड़ा था। रहमान, तुम बच्चे नहीं हो, हौसला रखो, मैं देख रहा हूँ इन पर सिर्फ जहरीले धुएं का असर है, वैसे ये बिल्कुल ठीक ठाक हैं। प्रोफेसर दाऊद ने इनके शाने पर हाथ रखते हुए कहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर साहब, इनके जिस्मों पर मामूली चोटें आई हैं, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ सका कि धुआं कैसा था। बम का धुआं था। मैं धुएं के बारे में, धमाके के बारे में सुन चुका हूँ। आजकल इस किस्म के धुएं के बम इजाद हो चुके हैं, जिनका धुआं थोड़े से एरिया को अपने लपेट में ले लेता है और धमाके से चीजें उलट पुलट भी हो जाती हैं। लेकिन ये बम इंसानी जान लेने की हद तक खतरनाक नहीं होते। हाँ, ये हो सकता है कि ये बम कुछ खास किस्म का हो, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि कई इमारतों के शीशे चटक गए हैं। हालांकि धुएं के बम का धमाका ना तो इतना जबरदस्त होता है, ना इमारतों के शीशे तोड़ सकता है। यही बात तो मुझे फिक्रमंद कर रही है। वैसे डॉक्टर, आपका क्या ख्याल है, ये कब तक होश में आ जाएंगे? मेरा ख्याल है कम से कम एक घंटा और लगेगा, और ये भी हो सकता है कि इन्हें 24 घंटे तक होश आए, क्योंकि धुआं काफी हद तक जहरीला था और ये इससे 15 मिनट तक पड़े रहे हैं।
अगर फौरन ही इन्हें धुएं से निकाल लिया जाता तो शायद ये अब तक होश में आ चुके होते, डॉक्टर ने इन्हें बताया। दूसरी तरफ आईजी साहब मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों पर फारूक की तलाश का हुक्म दे चुके थे। अब इन लोगों को इंस्पेक्टर जमशेद, महमूद, फरजाना और अकराम के अलावा फारूक की फिक्र भी खाई जा रही थी। इसके बारे में तो किसी को मालूम ही नहीं था कि कहाँ है और किस हाल में है। फिर एक घंटा गुजर गया, वो टिकटिकी बांधे इंस्पेक्टर जमशेद और दूसरों को देखते रहे। डॉक्टर बार बार घड़ी की तरफ देखते रहे। अचानक इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से एक कराह निकली, वो चौंक कर सीधे हो गए। फिर इनकी आंखें खुल गईं। इन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर अस्पताल के माहौल और अपने इर्द गिर्द जमात लोगों को देखा। फिर इनके मुंह से निकला, वो पकड़ा गया या नहीं? कौन? तुम किसकी बात कर रहे हो? आईजी साहब बोले, वही बहलूल खान। इंस्पेक्टर जमशेद ने खोए खोए अंदाज में कहा, बहलूल खान? इन सब के मुंह से निकला। इनकी नजरें सवालिया अंदाज में इंस्पेक्टर जमशेद के चेहरे से टकराई, मगर वो एक बार फिर बेहोश हो चुके थे। अचानक अस्पताल में एक दिलदोज चीख की आवाज गूंजी, इनके दिल दहल कर रह गए। अब बताओ तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बहलूल खान ने फारूक का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। जिस जगह धमाका हुआ तुम वहाँ से क्यों भागे थे? लोग तो इस मकाम की तरफ तेजी से भाग रहे थे और तुम वहाँ से दूर भाग रहे थे, आखिर क्यों? बस मैं सोचे समझे बगैर तुम्हारा ताकुब करने लगा। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारा इस धमाके से क्या ताल्लुक है? क्या धुएं का बम तुमने मारा था? फारूक ने डर बगैर कहा, यूं इसकी जान निकली जा रही थी। ओह तो ये बात है, दरअसल मैं धुएं से बहुत डरता हूँ, मैंने सड़क पर धुआं देखा तो भाग निकला। बस इतनी सी बात थी? अच्छा फिर तो मुझे माफ कर दें, मैंने बिलावजह ही आपका ताकुब किया। अच्छा अब आप मेरा हाथ तो छोड़ दें, क्योंकि बहुत देर हुई आपने मुसाफे के लिए मेरा हाथ थामा था जो अभी तक नहीं छोड़ा। मुझे इतना लंबा मुसाफा पसंद नहीं, हाथ तो मैं तुम्हारा छोड़ ही दूंगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा याद पड़ता है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। तुम्हारी आवाज भी जरूर सुनी है लेकिन कहाँ ये याद नहीं आ रहा। खैर मैं तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर पहले अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम फारूक है, बस या और कुछ? और बाप का नाम जमशेद है, यानी इंस्पेक्टर जमशेद। क्यों ठीक है ना, मेरा भी यही ख्याल था, इसने काट खाने वाले लहजे में कहा। भाई वाह कमाल है, यानी आपने मुझे पहचान लिया, हालांकि मैं अभी तक आपको नहीं पहचान सका। आपकी आवाज मुझे भी जानी पहचानी सी लगती है। अगर तुम फारूक हो तो फिर यहाँ से नहीं जा सकते। अचानक इसके लहजे में सख्ती आ गई। क्या मतलब? क्या इस नाम का लड़का यहाँ आकर वापस नहीं जा सकता? फारूक के मुंह से निकला, हाँ बशर्ते कि वो इंस्पेक्टर जमशेद का बेटा भी हो। क्या आपको इनसे कोई खास दुश्मनी है? यही समझ लो। ये कहकर इसने हल्का सा झटका मारा और फारूक को यूं लगा जैसे वो हवा में उड़ता हुआ इसके कंधे से आ लगा हो, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई सामान की गठरी कंधे से लटका लेता है। इसी हालत में उठाए वो इसे कमरे में दाखिल हो गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसने अचानक सवाल किया, नेशनल पार्क के दरवाजे पर भी तुम ही मुझसे टकराए थे, क्यों ठीक है ना? इस वक्त तुम्हारे साथ एक लड़का और एक लड़की भी थे, जरूर तुम्हारे भाई और बहन थे। मुझे बताओ वो कहाँ हैं? क्या वो भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं? नहीं, वो इस धुएं में गिर गए थे। झूठ ना बोलो, धुएं का बम तो मैंने एक जीप पर मारा था और तुम तीनों पैदल चल रहे थे। लेकिन तुमने जीप पर बम क्यों मारा था? फारूक ने तंग आकर कहा, इसलिए कि इस पर से इंस्पेक्टर जमशेद ने मुझे पकड़ने के लिए छलांग लगाई थी। क्या? फारूक चिल्लाया, इसकी आंखें मारे खौफ के फैल गईं। वो तो ये समझा था कि धुएं में सिर्फ महमूद और फरजाना ही घिरे हैं और अब पहले मैं तुम्हारी तलाशी लूंगा। फारूक का हाथ अभी तक इसकी गिरफ्त में था। एक लम्हे के लिए फारूक ने महसूस किया कि गिरफ्त हल्की पड़ गई है। इसने एक जोरदार झटका मारा, इसका हाथ आजाद हो गया। दूसरे ही लम्हे वो कमरे के दूसरे कोने में खड़ा था। ये देखकर इस आदमी के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट आ गई। बहुत खूब, तो तुम तलाशी नहीं देना चाहते? इसका मतलब है तुम्हारी जेब में जरूर कोई खास चीज है। ये कहकर वो इसकी तरफ बढ़ा। कमरा बंद था और फारूक सोच रहा था कि इससे किस तरह बचे। अचानक इसकी नजर इस आदमी की पतलून की जेब पर पड़ी। जेब कुछ खुली हुई थी। इसने अंदाजा लगाया कि जेब में जरूर पिस्तौल है और अगर वो पिस्तौल पर कब्जा करने में कामयाब हो जाए तो इससे जरूर बच सकता है। ये बात वो जान चुका था कि अजनबी बहुत ज्यादा ताकतवर है और दस्त बदस्त लड़ाई में वो इसे मात नहीं दे सकता। जो ही अजनबी नजदीक आया इसने फुर्ती से छलांग लगा दी और हाथ इसकी जेब में डाल दिया। दूसरे ही लम्हे हाथ बाहर निकला तो इसमें हाथी दांत का बना हुआ एक ऑटोमेटिक पिस्तौल मौजूद था। फारूक ने दूर हटते हुए पिस्तौल की नाल इसकी तरफ तान दी। बहुत खूब,
इंस्पेक्टर जमशेद के बेटे से ऐसी ही भर्ती की उम्मीद की जा सकती थी। मुझे खुशी हुई और मुझे रंज हुआ कि अब तुम मेरी इज्जत पर हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बहलूल खान। बहलूल खान, बड़ा अजीब सा नाम है। होगा, लाओ ये पिस्तौल मुझे दे दो, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, बहलूल खान ने कहा। क्यों, क्या इसमें गोलियां नहीं हैं? या तुम पिस्तौल चलाने के मामले में मुझे अनाड़ी समझते हो? इन दोनों में से एक बात भी नहीं। पिस्तौल में ना सिर्फ गोलियां भरी हुई हैं, बल्कि यह है भी एक नई किस्म। तुम इसके दस्ते पर एक नन्ना सा बटन लगा हुआ देख रहे हो, अगर इसे दबा दिया जाए तो गोली चलने की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती। दूसरे लफ्जों में, इस पर साइलेंसर फिट करने की जरूरत नहीं है। भाई वाह, फिर तो मैं इससे गोली चलाकर जरूर देखूंगा। जरूर चलाओ, लेकिन पहले सफेद बटन दबा लेना, ऐसा ना हो कि सारी इमारत के लोग यहाँ जमा हो जाएं। फारूक ने बहलूल खान को हैरत भरी नजरों से देखा और वो इसे गोली चलाने की दावत इस तरह दे रहा था जैसे खाना खाने की। फारूक को भी ताव आ गया। इंसान को ताव आया नहीं और इसकी अकल मारी गई नहीं। इसने सोचे समझे बगैर सफेद बटन दबा दिया। पिस्तौल के पिछले हिस्से से एक शोला सा निकला और फारूक ने बौखलाकर इसे हाथ से छोड़ दिया। इसे यूं लगा जैसे इसका सर जोर से चकराया हो, फिर वो धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। बहलूल खान मुस्कुराते हुए इस पर झुका और जेबों की तलाशी लेने लगा। एक जेब में से मूछें और झिल्ली बरामद हुई और बहलूल खान हैरान रह गया। इसने जल्दी जल्दी दोनों चीजों को लाइटर के शोले से आग लगा दी। इस काम से फारिग होकर वो फोन पर झुका और किसी के नंबर डायल करने लगा। जल्द ही सिलसिला मिल गया। इसने कहा, हेलो, मैं बहलूल खान बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर जमशेद और इसके दो बच्चे अस्पताल में बेहोश पड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ वो होश में ना आए। बहुत बेहतर जनाब, ऐसा ही होगा, दूसरी तरफ से कहा गया, इसी वक्त रवाना हो जाओ, बहलूल खान ने कहा। बहुत बेहतर जनाब।